मैदान और शैतान के बाद अजय देवगन की औरों में कहां दम था, फिल्म रिलीज होने वाली है। इस बीच उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म जख्म के बारे में बात की है और उन्होंने वो किस्सा शेयर किया है जब उन्होंने बाथरूम में नहाते हुए फिल्म को करने के लिए हाँ कर दिया था। साल 2024 अजय देवगन की अब तक की दो फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। इन फिल्मों में मैदान और शैतान का नाम शामिल है और बॉक्स ऑफिस पर एक फिल्म हिट रही तो दूसरी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इनमें उनके आने वाली फिल्मों में औरों में कहां दम था और सिंघम अगेन शामिल है। फैंस इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनके पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने एक पुराना किस्सा भी शेयर किया। आइए बताते हैं कि वो किस्सा क्या है। दरअसल उन्होंने जख्म पिक्चर का एक किस्सा शेयर किया है। ये मूवी महेश भट्ट की मां के जीवन पर बेस थी। इसमें अजय देवगन के साथ महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट, नागार्जुन, सोनाली बेंद्रे और कुणाल खेमू थे। एक बातचीत में अजय देवगन ने बताया कि जब उन्हें जख्म के लिए बुलाया गया तो वो बाथरूम में नहा रहे थे। ये फिल्म साल 1998 में रिलीज हुई थी। उन्होंने बताया कि उन दोनों मोबाइल फोन नहीं बल्कि टेलीफोन होते थे। इसके साथ ही अजय देवगन ने महेश भट्ट के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि महेश भट्ट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शानदार रहा था। वो हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उस वक्त उनके पास मोबाइल फोन नहीं था। वो नहा रहे थे तभी उनके लैंडलाइन की घंटी बजी। ये लैंडलाइन फोन उनके बाथरूम में था और उन्होंने फोन उठाया तो महेश भट्ट की आवाज थी। अजय देवगन ने फोन उठाया और कहा कि वो अभी नहा रहे हैं और इसके जवाब में महेश भट्ट ने कहा, आप बस मेरी बात सुनिए, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, इसके बाद मैं इसे छोड़ रहा हूँ। इसके बाद महेश भट्ट ने अजय देवगन को इस फिल्म की सारी कहानी सुनाई। इसके जवाब में अजय ने कहा कि वो इस फिल्म में काम जरूर करेंगे और इसके बाद जख्म बनी और ये महेश भट्ट की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस पिक्चर के बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म के सीन इतने दमदार हैं कि कई बार वो इन सीन में बस खड़े हो जाते थे और खुद इमोशन बाहर आने लगते थे। अब आपको अजय देवगन के आने वाले वर्क फ्रंट के बारे में बताएं तो उनकी औरों में कहां दम था फिल्म चर्चा में है और इस फिल्म में उनके साथ तबू भी है। ये पिक्चर 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और इसके अलावा इनकी सिंघम अगेन का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसे रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म 1 नवंबर को रिलीज होने जा रही है और इस पिक्चर का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में अजय के साथ अक्षय कुमार, विकी कौशल, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, रणवीर सिंह जैसे स्टार कास्ट नजर आने वाली है और इसमें अर्जुन कपूर विलन की भूमिका निभा रहे हैं। बहरहाल आपका इस किस्से पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।